हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आज जैसा कि पता है आप लोगों के पेपर शुरू होने वाले हैं और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारियां भी कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, जैसे स्टार्टिंग उन्होंने किया होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और फोकस करके पढ़िएगा, तो आप लोग भी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो है, स्पेशली वो बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बीए थर्ड सेमेस्टर में जो उनका पेपर फर्स्ट है, उसका नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मापन या मूल्यांकन। तो ये क्या बेसिकली जो हमारे पेपर का नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसी पे ही पूरी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 पेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट 1 में सबसे पहले मेजरमेंट का जो है मतलब मीनिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मेजरमेंट मतलब मापन, हिंदी में मापन, हिंदी वालों के लिए मापन शब्द है। मापन का अर्थ जो अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी नीड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी में मेजरमेंट में हमने देखा कि इसके लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के कितने स्तर होते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, और साथ में रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजरमेंट मापन और मूल्यांकन का क्या संबंध है आपस में, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो यूनिट 1 जो बेसिकली फोकस है आपका मेजरमेंट की मीनिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इनका जो नेचर एक तरह से, और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इस पर आप लोग फोकस करिएगा। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 जो हमारा टेक्निक्स, जो आपने देखा कि टेक्निक्स, इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर इवैल्यूएशन। जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं, तो उसको मूल्यांकन करने के लिए हम किन टूल्स का यूज करते हैं और उनमें कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, किसी भी बच्चे का या किसी भी चीज का हम इवैल्यूएशन करने के लिए, तो इसमें टेक्निक्स एंड टूल्स के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़िएगा। और फिर इसी में यूनिट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल, हम जो टूल्स यूज करते हैं मेजर, जो इवैल्यूएशन मेजर करने के जो टूल्स यूज करते हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपने देखा कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो हमारा टोटली मेजरमेंट पे बेस है, मेजरमेंट का मीनिंग कॉन्सेप्ट और इनकी टेक्निक्स और इनके इवैल्यूएशन में क्या क्या होते हैं, ठीक। फिर इसी तरह यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में हमारा अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की अप्रोचेस क्या होती है, और इसी में आपने देखा होगा फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, जो इवैल्यूएशन में जो दो टाइप्स बताए गए, जो हमारा न्यू पैटर्न पे है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग करते हैं और इसको कैसे मतलब एक तरह से बेसिकली ये कहां कहां यूज होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग पढ़िएगा। फिर हमारा सीसीई है, सीसीई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं और इसको थोड़ा सा जो है डिटेल में डीपली पढ़िएगा। और इसके बाद सीजीपीए मेथड, जो भी हमारा नया मेथड आया है, सीजीपीए मेथड क्या होता है, इसको इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसी में फिर हमारा जो आता है तीसरा, इसमें कई टूल्स हैं। सिलेबस में आपने यूनिट 3 में देखिए, यूनिट 3 में इंटेलिजेंस जो कि मैंने लिख रखा है, मतलब मेरे जो अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो एक इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताया, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। तो इंटेलिजेंस दे रखा है, इसी तरह आपका पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी, तो इन 3 में से कोई एक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे है वो इंटेलिजेंस के बारे में, तो इस पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में हम यूनिट 4 में आते हैं। जैसा कि यूनिट 4 में जो लिखा है मेजर्स, ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने क्लास 12th में या और छोटे क्लासेस में आपने अपना स्टैट्स पढ़ा होगा, स्टैट्स में मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो यूनिट 4 है हमारी, यूनिट 4 टोटली मैथमेटिकल्स है, हो सकता है इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना पूछ के वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछ ले। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें होती है, पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड, यानी कि मीन मीडियन मोड जो कि 3 होते हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगर मीन पे आता है तो उसको कौन से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके उसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह मीडियन में और मोड। तो इसमें मेरा अनुमान यही है कि इसमें हो सकता है 1 या 2 आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कई चीजें डेविएशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। और लास्ट में हमारा आता है कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, और इसी में स्पीयरमैन रैंक्स डिफरेंस मेथड है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। तो आपने ये देखा कि जो ये सिलेबस है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में, टोटल जो सारी यूनिट्स है वो सारे में मेजरमेंट इवैल्यूएशन की टेक्निक्स, इवैल्यूएशन क्या होता है, और अभी करंट सिनेरियो में जो सीजीपीए मेथड वगैरह चल रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करें, इनके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए। आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आप इतना पढ़ने के बाद फेल नहीं होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल के वीडियो में आपको जो पेपर सेकंड है उसके बारे में।